वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु, मुद्दे की बात करूंगा वाहिगुरु, जो बोलूंगा वाहिगुरु थोड़ा चुभेगा भी वाहिगुरु। जाम देखते वाहिगुरु, ये खालिस्तान वो खालिस्तान कर दिया। नीचे स्कूल दी तस्वीरां ने, नीचे स्कूल दी तस्वीरां ने, सरबितकारी स्कूल, सरबितकारी विद्या मंदिर जिहड़े पंजाब दे अंदर घट्टो घट 100 तों उपर 125 दे करीब स्कूल होणे आ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਜੜ ਪੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਣੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ये है लक्का सिदाना, लिखा है प्रो खालिस्तान लक्का सिदाना स्कूल को धमका रहा है, धमका नहीं रहा है। हक जो माँ बोली लैंग्वेज है, मदर टंग, प्रिंसिपल को ही नहीं आता तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? और किनका फोटो रखा है ऊपर? क्या किया है उन्होंने देश के लिए? कुछ किया है? कोई योगदान है आजादी के फाइट में? कोई है कि कहीं खड़ा है? मैंने तो पहली बार देखा, वो ये वीडियो के जरिए देखा मैंने, मेरे को नाम भी नहीं बोलना है। लेकिन एक चीज है, ऐसे बंदे का फोटो क्यों पंजाब के धरती पे जिन्होंने पहला खालसा राज लाया बाबा बंदा सिंह बहादुर, वो कहां गए? उस मिट्टी पे खालसा राज आया, शेरे पंजाब, कहां गए वो? यार ये एक पॉलिसी बड़ा अलग है। तुम किसी पे भी खालिस्तान का टैग ठोक देते हो, तुम माइक पे बोलो हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, वो ठीक, जबकि हिंदुस्तान है ही नहीं। ये कोई स्थान नहीं है यहां पर, सिर्फ एक ही है यहां पर, राजस्थान ना। स्थान अगर है कोई तो, क्योंकि ऐसे अंडर एस्टिमेट किया था एक पर्सनैलिटी को जिन्होंने 32 डिग्री लेकर ऐसे हाथ में दे दिया, ले तुम्हारी बस की बात नहीं है यार, हमने 32 डिग्री किया है। कितना? 32, चार पन्ने नहीं, 32 डिग्री लेकर ये संविधान तैयार किया। ये संविधान के कारण ये हमारे गले में शस्त्र, सेक्शन 25, इतना सब कुछ है। इनको भी अंडर एस्टिमेट किया था, इनको भी नहीं बिठाते थे इनको क्लास में इक्वालिटी में, नीचे बैठ नीचे बैठ नीचे बैठ, पढ़े विद्या नॉलेज, सिंबल है नॉलेज का। इनका फोटो रखो, बंदा सिंह बहादुर का फोटो रखो, गुरुओं का फोटो रखो, लेकिन तुम किसके रख रहे हो? जिनको कभी देखा ही नहीं हमने, क्या किया है उन्होंने जिंदगी में? कुछ नहीं। लक्का सिदाना, अमृतपाल सिंह, ये सारे आज जेल में अरेस्टेड है, ये सारे। एक टाइम है, टाइम आज तुम्हारा टाइम सही चल रहा है। वजीर खान का भी केस कत्ल था, वजीर खान भी टोपी डालता था, राज था उसका, आज सीएम के कुर्सी पे बैठा है ना, 2 साल है मैक्स, 2 साल के बाद कहीं नहीं दिखेगा, एक भी सीट आया ना मान जाऊंगा शायद, क्योंकि जो पंजाब के लोगों के साथ हो रहा है ना वो बर्दाश्त के बाहर है। कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं किया है, तुमको लोगों ने उम्मीद लेके चुना था, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? हमारे पंजाब के सीएम के वाइफ का सिक्योरिटी देखो कितने बड़े, किस चीज का सिक्योरिटी? सबसे बड़ा टैक्स पेयर भरने वाला, टैक्स भरने वाला सिद्धू मूसे वाले का सिक्योरिटी निकाल दिया, कर दिया रे तुमने तुम्हारा मिशन पूरा। सिद्धू मूसे वाले को गायब कर दिया, जिसने किधर तक लेके गया था दस्तार का नाम, दीप सिद्धू, तुमने उसको भी बोल दिया खालिस्तानी खालिस्तानी करके, जबकि वो खालिस्तान का ये नहीं था। संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरा वाले भाई करो, मैं भी गलत समझता था एक टाइम पे, क्योंकि न्यूज मीडिया है जो गोदी मीडिया है ना, ये कुछ और ही बताता है। जिसके ऊपर एक FIR नहीं, 6 दिन लगे उनको, 6 दिन एक इंडियन गवर्नमेंट, कहां पर लोग दरबार से मत्था टेकते, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई चारों द्वार खुले, लेकिन तुमने वहां पर टैंक तो भेजा। आज्ञा भाई अकाल की तब्बे चलाए पर सब सिकन को मैं गुरु मान्यो ग्रंथ, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने वचन दिया उस पर तुमने फायरिंग किया, आज तक जस्टिस नहीं मिला है। जो सरोवर में कौवा भी डुबकी मारे हंस की तरह बाहर निकले, वहां पर उल्टा लाश तैरा है। 84 की बात कर रहा हूं, जलता टायर दिल्ली में, सिंगों के गले में जलता टायर, क्योंकि हम
इसको पेन ना भूल गए। ये तो बहुत छोटा लेके घूम रहा हूं मैं, दिल्ली में शस्त्र ना थोड़े, ये बड़ा होना जरूरी है ताकि कोई केश पे हाथ ना डाले। हम उस जसम महाराज के फौज है ना, तो आज राज है। एक राज औरंगजेब का भी था, 10 लाख मुगल फौज थे ना, राज वो भी था, राज वो भी था। आज जो सनातन धर्म राज कर रहा है ना, तो जनेऊ जब कट रहा था ना, तो वो राज औरंगजेब का जो राज था ना, तब आए थे कश्मीरी पंडित, आए थे आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के पास। तो 9 साल की उम्र में वही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने पिता को तैयार, आपसे बढ़कर कौन जो इनके धर्म रक्षक बनेंगे। 11 नवंबर यही 1675 शीशगंज साहब शहादत, अगर वो शीश समर्पित ना होता ना, तो आज नरेंद्र मोदी का नाम मोदी नहीं होता ना, कोई खान शेख होता, शानी होता, कोई दूसरा नाम होता, हसन होता। तो एक चीज है ये जो आज पंजाब के साथ हो रहे ना, जो पंजाब के साथ टॉर्चर हो रहा है ना, कोई बात नहीं, उस मिट्टी पर एक राज लाने वाला वो दसम महाराज है। आएगा भी राज, और राज लाना कैसा है जरा सोचो। मुझे बोलते हो ना मैं बाहर का बंदा हूं, मुद्दा दे रहा हूं तुम लोगों को, एक अमृतधारी बंदे को सीएम कैंडिडेट बनाओ, जिसने अमृत छकाओ, जो नितनेम करता हो, जो पाठ करता हो, जो महाराज के लड़ लगाओ, उनको दो, उनको बनाओ कैंडिडेट। हम अपने अमृतधारी बंदे को नहीं रख पा रहे तो उनको क्या कदर रहेगा। इसके अंदर फीलिंग है। जो बंदा आता है अमृतपाल सिंह, मैं मानता है कुछ स्टेटमेंट उन्होंने गलत दिया, मेरे को भी नहीं पसंद, मैं बोला, जब कोई गलत बोलेगा तो मैं बोलूंगा, है तो मेरा वीर ही वो। उन्होंने ये बोला था जीसस खुद को बचा नहीं पाया, तो आज देखो खुद अंदर है। लेकिन एक बात, गलती किया, लेकिन इतना बड़ा गलती नहीं किया कि वो आज अंदर इतने टाइम से है। उनकी माता संगत से हाथ जोड़ जोड़ जोड़कर मिन्ती कर रही है, लेकिन को दिख नहीं रहा है। क्यों? ऐसा कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया कि डिब्रूगढ़ डालना पड़ा एनएसए? कौन सा बड़ा क्राइम किया? लेकिन फिर भी बात एक, खालिस्तान, ये खालिस्तान नहीं है भाई। मैं तो पहले दिन से बोलता है इधर कोई स्थान ही नहीं है, सिर्फ एक स्थान है राजस्थान। लेकिन तुम अगर हिंदुस्तान बोल सकते हो माइक पे ना, तो वो सिंह भी बोल सकता है ना फिर, जो उनको बोलना है। तुम क्या सुप्रीम कोर्ट हो क्या? और रही बात इन पे जो लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत, एक फर्स्ट सेंटेंस है, इंडिया दैट इज भारत। दुनिया अलग हो जाएगा, लेकिन ये सेंटेंस को कोई नहीं चेंज कर पाएगा, कोई नहीं चेंज कर पाएगा। लिखा दुनिया अलग हो जाएगा, क्योंकि ये जो संविधान लिखने के लिए अपने परिवार का शहादत दिया है ना, तो ऐसे नहीं है वो, बहुत बहुत महत्व है। तुम तुम्हारे खुशी के लिए बोलते हो हिंदुस्तान, तो वो क्यों नहीं बोल सकते कटा कौन है पंजाब? जब देश के टुकड़े हुए, कटा कौन पंजाब? ये देखो, इंडिया दैट इज भारत। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है, इनका फोटो, इनको बोलते महापुरुष, जो कुछ किए, अंडर एस्टिमेट किया, बताया क्या है, एजुकेशन का नॉलेज क्या है, डिग्रियां रखो 32 नहीं, कम से कम एक ही रख लो, संविधान का नॉलेज होना जरूरी है। बोलेंगे भारत माता की जय, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडिया इज माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रेप होता है बहनों के साथ, नवरात्रि का 9 दिन पता है कौन सा रंग बिरंगे कपड़े पहनना है, लेकिन संविधान में क्या लिखा है इन्होंने महिलाओं के लिए, वो नहीं मालूम रहेगा। क्यों? करके लिए तुम्हारे साथ ये अपराध होता है, ये ब्रह्मास्त्र है। पढ़ता हूं कभी कभी, इसके लिए मस्त आज तो कोई छू नहीं पाया, ना कभी कोई छुएगा। तो ये आज जो हो रहा है, ये मां बोली लैंग्वेज के लिए लक्का सिदाने का साथ हर किसी को देना चाहिए, क्योंकि ये बंदा ना आज जो आवाज उठाया, अगर ये हर स्कूल में पंजाब में अगर यही टोपी वाले का फोटो रहेगा ना, तो ज्यादा दिन दूर नहीं, चड्डी वाले ही दिखेंगे हर जगह पे। फिर चड्डी वाले नहीं, हम कशेरे, रगड़ा, देख, कभी कभी जलतूरी भी सकते, मच्छी, एक और मच्छी फ्राई करे ना वो, जलतूरी भी सकते,
उसके लिए तो भोकने वाले आ गए बहुत। हाथी का बछड़ा कहां छुपा है, उसके लिए भोकने वाले आ गए। ये कीर्ति किसान मोर्चा कौन से बिल के अंदर घुसा रहे, नपुंसक की औलाद कहां छुपा है। हम मुंबई में है ना, मुंबई में हम घुसने नहीं देते किसी को ऐसे आंदोलन में, लेकिन फिर भी आज तुम छुप रहे हो ना, छुपो। महाराज ने जब पांच शिष्य मांगा था ना, इन्हीं जैसा जिनका नाम लिया, इन्हीं जैसे नपुंसक उधर बैठे थे, सर नहीं उठा पा रहे थे, फटी थी ना, सर मांग रहा है। सर देने का भी जिगरा ना उसी के पास होता है जिसको महाराज चुमता है। तुम रहो बिल में, सोने का खंडा डालने से कोई अमृत कोई खालसा नहीं बन जाता है, सोने का खंडा डालने से, लॉकेट पहनने से, एक अलग महाराज का पांच प्यारों का बाटे का अमृत घागर हजूर साहब का, वहां पर जो चौटंगे ने शीश दिया ना, चौटंगे ने बकरे ने जो सर दिया ना जमीन को, वो सर एक एक सवा लाख देना चाहिए, तब जाके खालस का राज आएगा। और खालस के राज में कोई ऊंची जात नीची जात जात भेद नहीं। आज मैं इनका एक रिस्पेक्ट मरते क्षण तक करूंगा। रीजन है, इन्होंने बताया ऊंची जात नीची जात कुछ मैटर नहीं, मैं मेरे जितने अपने लोग हैं उनके लिए वो काम करूंगा ना, और वाकई में किया है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक बाटे पे इन गरीब सिक्कन को पातशाही दू, इतना बड़ा हिस्ट्री, एक बाटे पे जात पे थी मिटा दिया। गुरु नानक देव जी का लंगर, एक लंगर थाली में सब जात पे थी मिटा दिया। अगर पीएम भी खाएगा तो एक गरीब भी खाएगा। तो आज अपने देश में क्या हो रहा है, हम कहां जा रहे, सोचो क्या कर रहे आज। मैं तो बोलता शायद इनके विचारों पे चलने वाले को शायद एक बार सिर्फ ये सोच को अगर पीएम बनाएंगे ना, अगर संविधान का जो असली है ना पावर जो इसके अंदर है बाहर आ जाएगा, एक बार सिर्फ मौका, एक बार ट्राई तो करके देखो यार। एक फ्लॉप एक्ट्रेस शूटआउट पड़ोलों में क्या काम की उसने, और बोलती है देश आजाद 2014 के बाद हुआ है, ऐसे लोग रहते हैं हमारे इस देश में, और मिल भी जाता है उसको पद, क्या भारत रत्न पद्मश्री मिल जाता है उसको, क्यों, क्योंकि 2014 के बाद ना देश आजाद हो गया ना। कोई बात नहीं, ऐसे अनपढ़ों का जनसंख्या बहुत है, अंधभक्तों का जनसंख्या बहुत है, इसके लिए आज राज किनके हाथ में। कोई बात नहीं, एक टाइम औरंगजेब ने किया, आज एक टाइम तुम कर लो। कितना बड़ा सल्तनत बनाया था औरंगजेब ने, लाल किला कच्ची कब्र में टांग फैला के लेटा है, कुत्ता भी नहीं पूछता है, संभाजी नगर में कोई नहीं पूछता, तुमको भी कोई नहीं पूछेगा, इनको पूछेगा, इनको पूछेंगे लोग, पूरे ब्रह्मांड में पूछते हैं इनको, विद्या है ना, नॉलेज है ना, देख कोर्ट में भी देखना क्या लगते हैं, रुतबा अलग है ना, लेकिन किधर मार खाते हैं हम। 5 साल में एक वोट आता है, बिक जाते 2000 के लिए, वो 2000 में तुम्हें 5 साल गधा बनना पड़ता है, गधा उठाओ तुम बोझा। ये लोग तो घूमेंगे ही, जो ये जो जितने भी बड़े बड़े आज कुर्सी में बैठे, ये लोग तो फर्स्ट क्लास लेविंग जिंदगी जीते, तुम्हारा एक वोट का पावर है। 3 एक्टर शाहरुख अजय देवगन और एक कौन अक्षय कुमार, विमल खाते रहे तंबाकू, खाते एडवर्टाइज तंबाकू का करते, कभी विद्या के बारे में बोला है, कभी रेप के लिए खड़े हुए है, कभी रेप बैन करने का सोचा है, नहीं तंबाकू खाओ तुम, पैसा मिलता है ना, पैसा तो कोई और भी कमाता है, लेकिन इज्जत, इज्जत इसको बोलते हैं, इज्जत परमानेंटली रह जाता है, बाकी सब तो जाता है। शरीर क्या है, शरीर एक आत्मा जब जाए तो शरीर का कोई वजूद नहीं। लेकिन आज जो पंजाब में हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ज्यादा दिन तक वो टॉर्चर झेलूंगा नहीं, मैंने एक बार बोला था वीडियो में, मैं तुम्हारा पंजाब मुड़ कर नहीं आऊंगा, अगर आ गया ना तो ये जो मां बोली लैंग्वेज है ना ये ही रहेगा, गुरुमुखी रहेगा, क्योंकि ये मां बोली लैंग्वेज गुरु अंगद देव जी के हाथों तैयार हुआ है।
दूजी पाठशाला। उन क्या तो तैयार हुए लैंग्वेज को मिटने नहीं दूंगा, चाहे अपने आप को क्यों ना मिटा दू। तो एक एक सवा लाख तैयार पर तैयार, 2 साल है तुम्हारे पास, ये टाइम मेरा घड़ियाल चल रहा है, झाड़ू झाड़ू की तरह ही गायब हो जाएगा, दिखेगा नहीं किसी को, कोई और आ जाएगा, कुर्सी वही रहता है, आदमी बदलता है, आदमी जाने के बाद कुत्ता भी नहीं पूछता है, उसके बाद गलती से भी कहीं मिल नहीं जाना, जो स्टेज पे धंधा किया ना वो धंधा फिर से चालू कर देगा, तो मजाक नहीं कर रहा। तरबन में सर फंसाकर अपने आप को सरदार ना बोल, सुच्चानंद और गंगू करो, इस पे भी एक FIR, यही कर सकते तुम, और कुछ नहीं कर सकते, करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी तैयार पर तैयार महाराज से आज्ञा लेके सच ही गजूंगा आखिरी क्षण तक। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु।